हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। किसी विलेज की पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। उस टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रहने वाले निवासियों के प्रोपोर्शनल। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है? उस जगह पे रहने वाले निवासी। उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रही है? वो इंक्रीज होती जा रही है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, अगर 1999 में 20,000 पॉपुलेशन थी और 25,000 इन 2004, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009? तो 2009 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करके देना है भाई। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, हम पॉपुलेशन को मान लेते हैं 1999 में। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट पॉपुलेशन इन 1999 एज पी। ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है वहां पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे एक वेरिएबल मान लेते हैं वाई इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग की बात कर रहा है, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है वो। और यहां पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है? इंक्रीज होना मतलब डीपी बाय डीवाई। टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ये एक तरीके से टाइम लिया है हमने। क्या लिया हमने? टाइम लिया है। तो डीपी बाय डीवाई इज इक्वल टू किसके है? केपी। या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, डीपी बाय डीवाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पॉपुलेशन प्रेजेंट एट ए दैट टाइम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारा। पी वाली टर्म को अलग कर लो, विदाउट पी वाली टर्म को एक तरफ, तो डीपी बाय पी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के डी वाई। डीपी बाय पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू यहां पे के इंटू डी वाई का वाई, और प्लस में क्या कर लेंगे हम, लॉग सी ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे लॉग पी इक्वल टू के वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर के वाई और प्लस में लॉग सी। यहां पे हमें साथ में लॉग भी लगाना पड़ेगा, लॉग e की पावर के वाई, क्योंकि e से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। यहां पे फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है, तो क्या आ गया, लॉग p इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e की पावर के वाई इंटू सी, लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लग गया, लॉग से लॉग कट गया। तो पॉपुलेशन किसके इक्वल आ गया, यहां पे c इंटू e की पावर के वाई। ठीक है भाई, अब स्टार्टिंग स्टेज में इनिशियली जब हमने y इक्वल टू जीरो माना है, टाइम क्या माना है हमने, जीरो, तब हमारी इनिशियली जो विलेज की पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट y इक्वल टू जीरो द पॉपुलेशन वाज 20,000। इतनी तो हमें पहले ही दे दी ना उसने कि इतनी तो है ऑलरेडी गांव में। तो वो स्टार्टिंग जब हमने स्टार्ट किया, इंक्रीमेंट देखना स्टार्ट किया, जो यहां पे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, वो इनिशियल स्टेज में 1999 को हमने मान लिया टाइम जीरो, जब से हमने देखना स्टार्ट किया है उस टाइम पे पॉपुलेशन थी 20,000। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो, p इज इक्वल टू 20,000 पुट करते हैं यहां पे। तो p की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 20,000 इज इक्वल टू c इंटू e की पावर k इंटू जीरो, ये वन हो गया हमारा। तो यहां पे क्या आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 20,000 आ गई हमारे पास। e की पावर जीरो क्या हो जाएगा, e की पावर जीरो इक्वल टू वन। तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो किस रेट से हमारी ग्रो कर रही है, 20,000 इंटू ई की पावर के वाई से। ये एक तरीके से फंक्शन आ गया हमारा, जिससे हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब यहां पे क्या कहा है, 2004 में कितना टाइम हो गया भाई, 1999 से 2004, वाई इक्वल टू एट वाई इक्वल टू फाइव। जब वाई की वैल्यू फाइव हो गई तो पॉपुलेशन कितनी हो गई हमारे पास, 25,000 हो गई। यही तो हो गई 25,000। अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहां पे, तो p की जगह 25,000 इज इक्वल टू 20,000 इंटू e की पावर 5 के हो जाएगा। यहां पे कट करेंगे इसको, 30 से 30 कट गया, 54 जा 25, 5 जा 25, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 5/4 इज इक्वल टू e की पावर 5 के। और e को इस तरफ लेके आऊंगा तो मैं log of 5/4, 5/4 को 1.25 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5k हो जाएगा। यानी इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं, हमारे पास क्या आ गया, 5k इज इक्वल टू
लॉग ऑफ 1.25। और जो ये हमने के कांस्टेंट माना था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, लॉग ऑफ 1.25 डिवाइड बाय 5। ठीक है भाई, एक तो ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट, और एक फंक्शन आ गया था हमारे पास, वो क्या आया था, पॉपुलेशन जो इनिशियल थी वो 20,000 ई की पावर के वाई, ये थी। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बस के की वैल्यू को पुट करके। तो पॉपुलेशन हमें निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, 20,000 इंटू ई की पावर के वाई, के की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ 1.25 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और कब निकालनी है हमें, 2009 में निकालनी है। तो 1999 से 2009 तक कितने ईयर हो गए भाई, y इक्वल टू 10, तो इंटू में y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहां पे, 10 पुट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 20,000 e की पावर 5 से इसको कट किया, 5 टू जा 10 हो गया हमारा, तो ये 2 अलग रहेगा, तो यहां पे क्या आ गया, e की पावर 2 log 1.25, क्या आ गया, e की पावर 2 log of 1.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ गया, 20,000 e की पावर, पावर आगे चली जाएगी, log of 1.25 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 5 अलग था इसलिए कट किया, यहां पे 1.25 इसके में था, 5 टू जा 10, 2 log of 1.25 हो गया, ये सेपरेट है, अलग चीज है, ये log के साथ 1.25 अलग है, 5 ये अलग है, नीचे डिवाइड में है। तो ये आ गया मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, p इक्वल टू 20,000, ई से log कट गया तो यहां पे 1.25 का स्क्वायर करेंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.25, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या होगी, 20,000 मल्टीप्लाई 1.25 को पॉइंट रिमूव करेंगे यहां पे, तो अपॉन में 100, और यहां पे भी 125 अपॉन में 100, 20 40 40 कट गई, 125 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आ गई, p इज इक्वल टू 31250। तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी कब, आफ्टर 10 ईयर, मतलब 2009 में, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बतानी है, इस स्पीड से हो रही है, फिर हमें के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारी गिवन कंडीशन है उन पे, ये आ गया, इनको यूज करके हम y इक्वल टू 10 पे, y इक्वल टू 15 ईयर बाद, 20 ईयर बाद, जब भी निकालना चाहें तब भी हम पॉपुलेशन अपनी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी था एक एक्सरसाइज में, तो वो भी आपको करना है अच्छे से, और ये भी करना है। कोई दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट शेयर करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो, और क्लास 8th 9th 10th 11th के बच्चों को भी नेक्स्ट क्लासेज के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।